यमुनानगर हमीदा रेलवे फाटक के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जीआरपी पुलिस के एएसआई बलजीत सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि रेलवे लाइन पर एक बुजुर्ग महिला का शव मिला है। पता लगा कि मालगाड़ी की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। आसपास देखकर लगता है कि वृद्धा सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आई होगी, क्योंकि शव के आसपास सब्जियां बिखरी हुई हैं। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन उम्र लगभग 65 वर्ष के करीब होगी। साथ ही उन्होंने सबसे अपील की है कि इस तरीके से रेलवे ट्रैक क्रॉस ना करें। यदि कोई बहुत ज्यादा ही इमरजेंसी हो तो आसपास जरूर देखें, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में ही इस तरीके के हादसे अक्सर होते हैं। ये सवेरे 9:15 पे सूचना मिली थी स्टेशन मास्टर की तरफ से, जो शुगर मिल फाटक है उस पे मालगाड़ी से गुड़िया औरत रन ओवर हो गई जी। जो ये सूचना पाकर मैं मौके पहुंचा, जो देखा कि एक बुजुर्ग महिला की लाश कटी फटी अवस्था में अब लाइन के बीच में। महिला से वैसे तो कोई ऐसी कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है। जो उसने चीज़ पहनी हुई थी, एक कान की बाड़ी बरामद हुई है और एक हाथ की उंगली में उसने अंगूठी पहनी हुई है चांदी की और एक चैन। देखने में महिला बुजुर्ग महिला है, देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये मौके से जैसे सब्जी मंडी से सब्जी खिंडी पड़ी है मौके पे, ये सब्जी सब्जी लेकर आ रही थी। उम्र कितनी है? उम्र औरत की करीब 65 साल के करीब। मैं तो आम जनता से या अपना हरियाणा वासियों से ये अपील करता हूँ भी, पहली बात तो रेलवे लाइन क्रॉस मत, या जहाँ नहीं बने हैं, लोगों को ज़्यादा इमरजेंसी है, लाइन क्रॉस भी करनी है तो कृपया करके दाएं बाएं देख के ही क्रॉस करें, वरना मत करें। गौरतलब है कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में रखवा दिया गया है। महिला के पास से कोई दस्तावेज ऐसा नहीं मिला है जिससे उसकी पहचान हो सके। यमुनानगर से सुमित ओबराय, पंजाब केसरी टीवी।